उत्तर प्रदेश है, आबादी के हिसाब से देखें तो इंग्लैंड जर्मनी फ्रांस को टक्कर देता है, आकार के हिसाब से देखिए तो कई देशों को पीछे छोड़ देता है, कहते हैं इंग्लैंड बराबर इसका आकार हो जाता है। और लोकसभा सीटों को देखें तो देश में कोई ऐसा राज्य नहीं, 80 सीटें जहां से आती हो सारी पार्टियां अपना सब कुछ यहां झोंक देती हैं। ऐसे में यूपी के युद्ध में कौन आगे चल रहा है कौन पीछे, देखिए हमारी इस खास पेशकश में। उत्तर प्रदेश के लोग अगर स्वागत करते हैं तो समय आने पर धूमधाम से विदाई भी करते हैं। लोकसभा का ये आम चुनाव पूरी दमदारी के साथ ही लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां 80 सीटों पर महासंग्राम है, 42 पार्टियां मैदान में हैं, 15 लाख से ज्यादा वोटर हैं। 2019 में 3500 से ज्यादा उम्मीदवार थे, 2019 में 35,000 सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी थी, इस बार 7 चरणों में चुनाव है। एक ऐसा राज्य जहां ब्राजील से भी ज्यादा जनसंख्या है, एक ऐसा राज्य जो ब्रिटेन से भी बड़ा है, एक ऐसा राज्य जहां 23 करोड़ लोग रहते हैं, वहां गली गली लाउड स्पीकर की आवाजें गूंज रही हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने नोटबंदी की थी। खड़े हो जाइए, जागरूक हो जाइए, जो आपका है ले लीजिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि बिना लिहाज मगर मिलत हमको जुल्म होता करना। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा। यूपी के महारण में लड़ाई त्रिकोणीय दिखती है, लेकिन इस त्रिकोण में भी कई कोण हैं। लेकिन इस त्रिकोणीय दिखती लड़ाई में एक चौथा कोण भी बन चुका है, और वो है पल्लवी पटेल और ओवैसी की पार्टियों के गठबंधन का। वैसे लड़ाई के तमाम कोणों में कई लकीरें सीधी हैं तो कई लकीरें तिरछी हैं, और इसी के आधार पर बाहर आ रहे हैं नेताओं के बयान। भाजपा से लोग सत्ता के लिए नहीं जुड़ते बल्कि एक मिशन के लिए जुड़ते। जब मेरा घर छीना, मैंने उनसे कहा ले जाओ, मुझे तुम्हारा घर नहीं चाहिए, मेरा घर हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिल में है। मेरे सत्ता में रहने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए अगर इन संस्थाओं को आगे कर रहे हैं तो ये 400 पार नहीं 400 हारने जा रहे हैं। पीडीएम मना है सामाजिक न्याय के बारे में, उसको हम उसके साथ रहेंगे मायम पार्टी, और हम लोग इसको आगे लेकर जाएंगे। ये गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज्यादा होता है। पिछड़ा, दलित और मुसलमान समाज, विपक्ष में बैठे जो लोग हैं वो इन समाज के ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ चुप बैठे हैं। ये चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच में है, माफिया राज बनाम कानून के राज के बीच का है। फिर एक बार यूपी में पीएम मोदी एनडीए के रथ पर सवार विपक्ष पर निशाने लगा रहे हैं। अमित शाह सारथी बने बीजेपी के एजेंडों के रथ को हांक रहे हैं। योगी आदित्यनाथ यूपी की सियासी रणनीति के सेनापति बने हैं। क्या कोई शक्ति को खत्म कर सकता है क्या? शक्ति के सामर्थ्य को चुनौती दे सकता है क्या? और जिन जिन लोगों ने शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया है उन सब का क्या हाल हुआ है वो इतिहास में, पुराणों में अंकित है। चीनी मिले बसपा के शासन में 19 चीनी मिले बंद हुई, अखिलेश के शासन में 10 मिले बंद हुई, और भाजपा के शासन में 20 से अधिक चीनी मिलों को शुरू किया गया,
और 5 नई चीनी मिलें आज नई बनाने का काम हुआ है। ये चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच में है, माफिया राज बनाम कानून के राज के बीच का है। डीएसपी का तो साफ ऐलान था, वो अकेले चुनाव लड़ेगी और वो अकेले ही मैदान में ललकार रही है। हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। असल लड़ाई तो गठबंधन इंडिया के अंदर चल रही है, टिकट बटे हैं, लेकिन प्रत्याशियों की उम्मीदवारी बार बार बदल रही है। कौन किस सीट से लड़ रहा है, कौन किस सीट से वाकई लड़ेगा, ये सवाल बार बार सामने आ रहा है। जनता ने जहां जहां गए हैं, मीटिंग करी हैं, सम्मेलन करे हैं, तो जनता ने मांग की करी है कि एवा चाहिए। नेताजी यहां से गए थे तो आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को एक युवा के तौर पे बधाइयों को सौंप के गए थे, तो कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए जनता ने और यहाँ के हमारे जो प्रभारी हैं सब लोगों ने इस बात को रखा कि आदरणीय शिवपाल सिंह जी की जगह अगर एक युवा चेहरे को यहाँ पे उतारा जाए तो कहीं ना कहीं पार्टी को और फायदा होगा। जनता ने समाजवादी पार्टी को बुरी तरह नकार दिया है, उनकी गुंडई, अराजकता, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, जब पावर में रहते हैं तो दंगे, तो जनता उनको पूरी तरह से हाशिए पर धकेल चुकी है। उनको कैंडिडेट ढूंढने नहीं मिल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80-80 सीटें जीतने की तरफ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी का संकल्प है यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का। विपक्ष यूपी में ही बीजेपी को कड़ी टक्कर देना चाहता है। यूपी में सभी 7 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान है। 19 अप्रैल को यूपी में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत की जनता वोट करने निकलेगी। दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को है और 8 सीटों पर वोटिंग है। तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को है और 10 सीटों पर वोटिंग है। चौथे चरण का चुनाव 13 मई को 13 सीटों पर वोटिंग है। पांचवें चरण का चुनाव 20 मई को और 14 सीटों पर वोटिंग है। छठे चरण का चुनाव 25 मई को और 14 सीटों पर वोटिंग है और सातवें और आखिरी चरण का चुनाव 1 जून को है और 1 जून को 13 सीटों पर लोग वोट डालने निकलेंगे। यानी चरण चरण महायुद्ध की तैयारी है। कांग्रेस के लोगों को और अन्य राजनीतिक पार्टी के लोगों को समझना चाहिए कि आप लोगों की सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप पहले भी लगते रहे, लेकिन 10 वर्ष का समय गुजर गया, हमारी सरकार के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। यूपी में चुनावों की एक रोचक तस्वीर ये है कि पश्चिमी यूपी से चुनाव शुरू होगा और पूर्वांचल में जाकर अंतिम चरण का मतदान होगा। पश्चिमी यूपी का गणित बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं रहता है। 2019 में पश्चिमी यूपी की 14 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 7 सीटें ही जीत पाई थी, बाकी 7 सीटें समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन ने जीती। पश्चिमी यूपी में जाट प्लस मुस्लिम गठजोड़ काफी मायने रखता है। जो पश्चिमी यूपी में बढ़त ले जाएगा पूर्वांचल तक उसकी मुश्किलें कम हो सकती हैं। यही सोचकर बीजेपी और विपक्ष दोनों के प्रचार केंद्र ने फिलहाल पश्चिमी यूपी का मैदान है। बीजेपी के साथ जाट नेता जयंत है और समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से सहारा है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह इसी क्षेत्र में एनडीए का किला सबसे पहले मजबूत करने में जुटे हैं। आपके सामने चित्र साफ है, हम हैं जिसका मिशन है भ्रष्टाचार हटाओ और वो हैं उनका कमीशन कहता है भ्रष्टाचारी बचाओ। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा, ये लोगों को असंभव लगता था, लेकिन राम मंदिर भी बना है
और हर रोज वहां लाखों लोग दर्शन के लिए भी जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश से गुंडे पलायन करने लगे हैं। इस प्रकार की स्थिति उत्तर प्रदेश में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। पहले चरण की वोटिंग में बहुत दिन नहीं रह गए, लेकिन जिस तरह एनडीए क्लियर मैसेज के साथ आगे बढ़ रहा है और विपक्ष में एक कंफ्यूजन दिख रहा है, उसका यूपी के महारण पर असर पड़ना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा तो उन्होंने निर्णय लिया दो सीटों से लोकसभा के चुनाव लड़ने का। पहला तो गुजरात के ही वडोदरा से और दूसरा उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। वो दोनों सीटों से जीत गए और आखिर में उन्होंने तय किया कि वो वाराणसी से ही सांसद रहना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा संदेश था उत्तर प्रदेश की जनता को भी। 2014 में पूरी ताकत लगी, 2019 में पूरी ताकत लगी यूपी के लिए और अब 2024 की बारी है। ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है। तीसरी बार मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, तो वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। वो बता नहीं पा रहे हैं उनका नेता कौन है। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। गरीब का पैसा बीच में कोई और न हड़प पाए। मोदी ने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं। बाबा विश्वनाथ की नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का डंका बजा। काशी की गलियां अपार जन सैलाब की गवाह बनी। गंगा की लहरों की तरह मोदी समर्थकों में विश्वास की नई लहर पैदा हुई। पूरी काशी मोदी मोदी करने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर काशी का यह प्यार अनूठा लेकिन नया नहीं है। बाबा विश्वनाथ की नगरी ने हमेशा ही उन पर दिल खोलकर अपना आशीर्वाद बरसाया है। मेरे काशी वासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपके सेवक के नाते, आपके सांसद के नाते तो मैं काम करूंगा, लेकिन आपने मुझे देश का काम दिया है उसमें भी महादेव के आशीर्वाद से मैं कभी पीछे नहीं रहूंगा। महादेव के हम सब पर कृपा बनी रहे। पीएम मोदी का वाराणसी से चुनाव लड़ना केवल काशी जीतने के लिए नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में चमत्कार रचने के लिए, उत्तर प्रदेश में चमत्कार रचने के लिए। एक ऐसा चमत्कार जो बीजेपी को तीसरी बार सत्ता तक पहुंचाने का जरूरी रास्ता माना जाता है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने 31 मार्च से मेरठ से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। 6 अप्रैल को यूपी के सहारनपुर में रैली की। 6 अप्रैल को ही यूपी के गाजियाबाद में पीएम मोदी ने रोड शो किया। 19 अप्रैल से पहले यूपी में पीएम मोदी की अभी 4 रैलियां और होनी है। ये मोदी पर चाहे कितने भी हमले करें, ये मोदी है रुकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। उत्तर प्रदेश मोदी के लिए एक चुनावी राज्य भर नहीं,
राजनीति की एक ऐसी प्रयोगशाला है जिससे बीजेपी के लिए बेहतरीन नतीजे निकले। 2014 में जब पीएम मोदी ने वाराणसी से चुनाव लड़ने का फैसला किया तो उत्तर प्रदेश और बिहार की 120 सीटों में से 104 सीटें जीत ली। 2019 में उत्तर प्रदेश और बिहार की 120 सीटों में से 102 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे समय में जब बड़े बड़े नेता अपनी अपनी सीटों पर अपने आत्मविश्वास का वजन तौल रहे हैं, मोदी अतिरिक्त आत्मविश्वास से लबरेज है। बनारस मोदी के लिए केवल एक शहर नहीं है, उनकी सियासत का सबसे बड़ा संदेश है। हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं, लेकिन ये लोग जानते नहीं ये बनारस हो यहां सब गुरु हो, यहां इंडी गठबंधन के पैतरा ना चली, बनारस नहीं पूरे यूपी के पता हो, माल वही है पैकिंग नहीं है। इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। मोदी जब उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने आए थे तो किसी को अंदाजा नहीं था कि वो उत्तर प्रदेश को विरोधियों के लिए कयामत में बदल देंगे। हमारा लक्ष्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें हारे और जो विकास दिखाई दे रहा है वो समाजवादियों का ही है। हमें उम्मीद है कि इस बार जनता ऐतिहासिक वोटों से समाजवादी पार्टी को जिताएगी। हम कभी झूठ बोलने वालों में नहीं है, जैसा कि मोदी झूठ बोलते हैं और हर जगह जाते हैं कुछ ना कुछ नया झूठ बोल के आते हैं। उत्तर प्रदेश में बिरादरी फर्स्ट, दल सेकंड और मुद्दा लास्ट माना जाता है, लेकिन जातियों में गुथी यहाँ की राजनीति को पीएम मोदी ने एक सूत्र में बदल कर रख दिया। दलित, पिछड़े और आदिवासी, कांग्रेस जन्मजात उनकी सबसे बड़ी विरोधी रही है। और मैं तो कभी कभी सोचता हूं अगर बाबा साहब न होते ना तो शायद कि एससी एसटी को आरक्षण मिलता कि नहीं मिलता, ये भी मेरे मन में सवाल उठता है। अब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश नरेंद्र मोदी को 2014 और 2019 की तरह बंपर सीटें देगा या नहीं।